हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का वीके स्पेशल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा 2025 में बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज के इस वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप फोन पे को कैसे चला सकते हो बिना एटीएम कार्ड के और बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। वो चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अब हम बात करेंगे आपको फोन पे को कैसे यूज करना, फोन पे पर अकाउंट कैसे बनाना बिना एटीएम कार्ड के। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो भी आप फोन पे को यूज कर पाओगे, कैसे करते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आपको बता दूं, इधर पर एक ऑनलाइन अकाउंट आप खोल सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन अकाउंट आपको काय का खोलना, आपको खोलना है एयरटेल पेमेंट बैंक का, और फिर एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट आप ऑनलाइन ही खोल सकते हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और आपको एटीएम कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगा, आपको एटीएम कार्ड ऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं है। और आप एयरटेल पेमेंट बैंक से फोन पे का अकाउंट बन जाएगा और आप फोन पे को यूज कर पाओगे। अब देखो, मैंने जैसा कि आपसे बोला कि अगर आप बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हो तो बस ट्रिक यही है कि आपके पास अगर एटीएम कार्ड नहीं है और आपके पास अकाउंट है तो आप उससे तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि एटीएम कार्ड की जो जरूरत पड़ेगी ही। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आपको खोलना है एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट, और वो आपको ऑनलाइन खोलना है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको इसमें अकाउंट ओपन करना, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा वीडियो कॉल केवाईसी के द्वारा। अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वीडियो की लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रही है, जाके देख लो, ठीक है। अब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको बताता हूँ, जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको इधर पर आपके अकाउंट का बैलेंस देखने के लिए मिलेगा, आपको क्लिक करना है। उसके बाद एटीएम कार्ड आपको ये देखो डेबिट कार्ड लिखा हुआ, इधर पर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो इधर पर कुछ लोडिंग्स होगी, और सिंपल सा व्यू कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो तो इधर पर आपका एटीएम कार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो पिन मांग रहा, मैं अपने एटीएम कार्ड का पिन दे रहा हूँ, और जैसे ही मैं पिन दे रहा हूँ तो मेरा एटीएम कार्ड इधर पर ही देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं इससे ही फोन पे को अकाउंट बनाऊंगा, तो इस तरह से ही आप फोन पे को यूज कर पाओगे बिना एटीएम कार्ड के। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। फोन पे एप्लीकेशन नहीं है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही ओपन कर लोगे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है, कोई आपसे पासवर्ड मांगा जाता है, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, पासवर्ड पर क्लिक करना है और वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे आपके सामने लोडिंग्स होगी, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आ जाने के बाद अलाउ कर देना और परमिशन वगैरह को दे देना, ठीक है। अब जैसे ही परमिशन को दे दोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जब आपका अकाउंट खुल जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक में तब आप इसको यूज कर पाओगे, और तरीका बहुत ज़्यादा आसानी का है कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑनलाइन ही खोल लेना है अकाउंट, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो की लिंक आई बटन में आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रही है, जाके देख लो, 2-4 मिनट के अंदर ही अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा फोन पे का तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, फोन पे में आप लॉगिन हो चुके हो। अब आपको एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को ऐड करना है, तो आपको सिंपल सा प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आना है, उसके बाद इधर पर एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट का, क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कर दोगे तो इधर पर आ जाओ, सर्च वाला ऑप्शन मिल रहा, सर्च वाले ऑप्शन में आ जाओ। सर्च वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको सर्च करना है एयरटेल पेमेंट बैंक, और एयरटेल पेमेंट बैंक पर आपको कर देना है क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और आपसे बोलेगा डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड की डिटेल डालो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑनलाइन अकाउंट खोलोगे 5 मिनट के अंदर ही खुल जाता है। उसके बाद जैसे आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको एटीएम कार्ड आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगा। तो चलो हम इधर पर आपको बता देते हैं, इधर पर डिटेल मांग रहा, तो मैं एयरटेल थैंक्स से आपको ओपन करूंगा। जैसे कि ये देखो, ये मेरा एटीएम कार्ड है, मैंने आपको फर्स्ट में ही प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको एटीएम कार्ड देखना। तो आप देखो एटीएम कार्ड के लास्ट के अंक मुझे 6 चाहिए है, वो मैं देख लेता हूं, और मुझे एक्सपायरी डेट चाहिए। चलो मैं इस डिटेल को इधर पर एंटर करूंगा, चलो हम डिटेल को एंटर कर देते हैं।
देखो एटीएम कार्ड की डिटेल जैसे एंटर कर दोगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो, अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो। जैसे क्लिक कर दोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक आएगा ओटीपी, तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। चलो हम ओटीपी को एंटर कर देते हैं। को जैसे एंटर कर दोगे सही वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो। उसके बाद आपसे बोलेगा कि आपको यूपीआई पिन बनाना है 4 अंकों का, तो आप एक यूपीआई पिन को बना लो। सिंपल से मैं यूपीआई पिन बनाऊंगा। उसके बाद आपको सही वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर से बोलेगा कि जो आपने यूपीआई पिन बनाया है वही यूपीआई पिन फिर से एंटर करो। चलो हम फिर से एंटर कर देंगे और फिर आपको सही वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक कर दोगे तो आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट लिंक हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, मतलब फोन पे में एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना और बैक आ जाने के बाद आपका फोन पे का अकाउंट बन चुका है, वो भी देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की वजह से फोन पे को यूज कर सकते हो बिना एटीएम कार्ड से आपको, क्योंकि एटीएम कार्ड कहीं पर भी मंगवाने की जरूरत नहीं है, एटीएम कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाता है। अब देखो चेक बैलेंस वाले ऐप ऑप्शन में जाऊंगा और मेरा बैंक ऐड हो चुका है। अब मैं फोन पे के हर जो ऑफर चलते हैं उनका मैं फायदा उठा पाऊंगा। मेरे पर देखो बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक हो रहा है, उसके बाद कहां जहां पर ट्रांजेक्शन करना है। और मेन चीज भाई देखो फोन पे एप्लीकेशन कैशबैक देता है, इसलिए लोग फोन पे को यूज करना चाहते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, ये देखो 100-100 रुपए के कैशबैक मुझे मिले हैं फोन पे की तरफ से, 50-50 के मिले हैं, अनलिमिटेड कैशबैक मिलते हैं, इसलिए लोग फोन पे को यूज करना चाहते हैं। तो अगर आप भी फोन पे ऐप को यूज करना चाहते हो तो एयरटेल पेमेंट बैंक की मदद से आप कर सकते हो बिना एटीएम कार्ड के। फोन पे एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, बस जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना हो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।